आई एम विवेक प्रसाद, फादर ऑफ नाविका कैपिटल। तो इस निकुंबे में बात करने वाला हूँ श्रीमान पुष्पांश एडविन नाम की कंपनी और बताने वाला हूँ कि इस कंपनी के शेयर में, शेयर के चार्ट में कैसा पैटर्न बन रखा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कितना बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और कहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम आ रखा है या फिर आने वाला है या आ चुका है। ठीक, मतलब उससे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दूंगा और फिर उसके बाद से मैं आपको चार्ट में देख रहा और देन फाइनली मैं आपको कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा मैं आपको कंपनी फंडामेंटल्स के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे मैंने काम किया मेरा कंपनी क्या करती है उसका ओवरव्यू दूंगा, उसमें मैं आपको कंपनी चार्ट में देख रहा, चार्ट में कैसा पैटर्न बन रखा है, उस पैटर्न पे होकर कितना मेरा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये सब। और लास्ट में कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को अभी के में सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, 2 सेकंड का काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चलो बाकी कैसे क्या करती है ये कंपनी ना, ये पिस्टन बनाती है। कंपनी का नाम क्या है, श्रीराम पिस्टन्स एग्रीमेंट्स लिमिटेड, है ना, श्रीराम पिस्टन्स एग्रीमेंट्स लिमिटेड। तो ये पिस्टन वगैरह बनाती है और इंजन वेल्व्स बनाती है, इंजन वेल्व्स और पिस्टन क्या होता है वो सब आप गूगल कर लेना, अपनी गूगल कर लेना। मिस्टन ये सब ये मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और ऑटोमोटिव कंपनी इन्हें पास वगैरह बनाती है ना। ये ऑटोमोटिव मैसे करिए, ये ऑटोमोटिव कंपनी के लिए ये सब बनाती है, ये पेनस वगैरह और इंजन वेल्व बनाती है। ठीक, खैर बाकी आपको कंपनी के बारे कंपनी बिजनेस के बारे में और अच्छा समझाना है तो कंपनी की आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट आप डाउनलोड करके आप रीड कर लेना, ठीक है ना। तो सुनो, मैं आपको क्लास में नहीं करता हूँ, क्लास में आपको क्या दिखाया गया है, ये मैंने वीकली क्लास ओपन कर रखा है, वीकली क्लास ये है, वीकली क्लास क्या दिखाया गया है आपको, आप अगर यहाँ से देखोगे एक राउंड बॉटम दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक कप्पन हैगन पैटर्न आपको दिखाया गया, कप्पन हैगन ये हो गया आपका, ये आपका ये कप, अगर मैं गए बता दूँ यहाँ से बताऊँ तो ये हो गया आपका कप और ये आपका हो गया हैग, ये आपका हो गया हैगल टाइप का, है ना। मतलब ये सुनो, ये सब क्या ये देखना, मैं आपको बताऊँ तो एक यहाँ अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो एक राउंडिंग मॉटन बन रखा है, एक राउंडिंग मॉटन बन रखा है यहाँ पे, है ना, तो राउंडिंग मॉटन पैटर्न यहाँ पे हटा देता हूँ, राउंडिंग मॉटन पैटर्न यहाँ पे मंगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और राउंडिंग मॉटन और राउंडिंग मॉटन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं मालूम था, राउंडिंग मॉटन के अकॉर्डिंग टारगेट कितना हो सकता है हमारा, एक राउंडिंग मॉटन के अकॉर्डिंग टारगेट कितना रह सकता है हमारा, कितना टारगेट रहता है राउंडिंग मॉटन के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट में हमारा मंगता है ऑलमोस्ट 500% का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है ना, 500% का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 500% का टारगेट दिखाई दे रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या हुआ, एक राउंडिंग मॉटन बनाया उसने, एकदम ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई इस लेवल को उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उस लेवल को उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट किया पूरे वीक पूरा हफ्ता पूरा 1 वीक ये ऊपर रहा, इस लेवल के ऊपर रहा, उसके बाद फिर और ऊपर गया, है ना, ये और ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का सा पुलबैक आया, ये और नहीं गया, इस लेवल को टच किया, उस लेवल पे उस लेवल को उसने ब्रेकआउट किया था, उस लेवल को इसने टच किया, उस लेवल को ये
यहाँ पे प्रक्रिया बहुत, यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है इसने दिखाया। यहाँ पे प्रक्रिया और फटाक से ये ऊपर ऊपर की ओर भाग गया है ना, ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पर दैनिक कार्य दिखाता हूँ, देखो दैनिक कार्य में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह ब्रेकआउट यहाँ पे आया, कब आया था, फर्स्ट जनवरी को, फर्स्ट जनवरी को है ना, फर्स्ट जनवरी यानी कि न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। सन्नाफी ऊपर गया, सन्नाफी यहाँ से 20% ऊपर गया। 20% ऊपर जाने के बाद फिर इतना गिरावट आई, गिरावट आई, गिरावट आने के बाद ये सही लेवल पर इसने सपोर्ट इसने लिया। यहाँ पे इसने अगर कट गया, फिर अगले दिन 14 मार्च को एक सॉफ्ट ग्रीन बॉडी, एक सॉफ्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी इसने बनाई 14 तारीख को। उसके बाद इस जो ऑल टाइम हाई लगाया था इसने, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग डे भी लास्ट डे यानी कि 22 मार्च को, 22 मार्च है ना, फ्राइडे को इसने, फ्राइडे को इसने उस लेवल पे ऊपर, इस लेवल पे ऊपर क्लोजिंग दी। तो इसने काफ़ी अच्छा कंप में ऐसा किया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर गया, आने के बाद है ना 20% ऊपर गया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे इस लेवल तक आया, और इस लेवल पे आते ही, इस लेवल पे आते ही इसने सपोर्ट दिखाया, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, कहो हम ये कर सकते हैं कि कल मार्केट का कहीं पर भी ओपन हुए, कहीं पर भी ओपन हो जाए, कहीं पर भी ओपन हो, और ज़्यादा ओपन नहीं ओपन, ज़्यादा ओपन ओपन ना हो, यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है, ये कहीं पर इसमें पास में, आस पास कहीं पर भी ओपन होता है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और सपोर्ट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस लेवल का स्टॉप लॉस है ना, 1400 या 1500 का स्टॉप लॉस मान लो, 1500 का स्टॉप लॉस, 1500, हाँ 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना रहेगा, 5 गुना, 5 टाइम्स, 500%, 500% कितना होता है, 500% होता है 5 टाइम्स। सपोज करो अगर आप 1 लाख में लगाते हो, 1 लाख में लगाते हो तो तब तक वो 5 लाख नहीं होगा ना, तब तक आपने बने रहना है, और तब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तब तक आपने बने रहना है। तो अपना क्वालिटी वगैरह वो अपने आप देख लेना है ना, अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना, क्वालिटी कितना आपने बाय करना है वो सब है ना, उतना तो आपके पास समझ होगा ही। तो आप क्वालिटी देख लेना, तो कम से कम ऐसा तो आ रखा है, कम से कम ऐसा बीटनिक आर्ट में भी आ रखा है। बीटनिक आर्ट में देखो ना क्या हुआ, नीचे आया कट किया, और उसने नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट, इस लेवल पर कट किया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना। वैसे पूरे हफ्ते, ये पूरे हफ्ते क्या, एक ही दिन के ऊपर गया, एक ही बार में, एक ही बार में गया मतलब कि ये, हाँ पूरे हफ्ते के ऊपर, ये पूरा वीक, ये एक हफ्ते का एक कैगल है, 1 वीक का एक कैगल है, एक हफ्ते का एक कैगल है। इस तो ये ऑल टाइम हाई बना हुआ था, ऑल टाइम हाई के इस क्लास से गिरावट टाइम क्लास से इस लेवल से गिरावट करने स्टार्ट हुई थी, उस लेवल पे ऊपर से क्लोजिंग हुई मैं वीकली क्लास में है ना, वीकली कैगल, वीकली कैगल ने इस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो काफ़ी अच्छा कब हमें समझ में रखा है, तो वो कितना अच्छा सपोर्ट इसमें दे रखा है। तो गिरावट टाइम ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया 1 तारीख को, माफी ऊपर गया 20% ऊपर गया है ना, 20% ऊपर गया, माफी भाषा गिरावट आई, फिर इस लेवल पे आया, जैसे ही इस लेवल पे आया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैगन बना दिया उसने, एक बहुत बड़ा ग्रीन कैगन बनाया, माफी और ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुका, फिर फाइनली फ्लैगर को इसने एक और एक बड़ा सा ग्रीन कैगन बनाया। तो बहुत अच्छा है वो भी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ, और उसमें जब यहाँ पे गिरावट आई थी तो कोई वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, वॉल्यूम कम था। तो काफ़ी अच्छा एक कम से मैंने बताया है ना, कम अच्छा खासा कम से आ रखा है। तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हो है ना, स्टॉप लॉस एरिया मैंने बता दिया, 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1500 का स्टॉप लॉस, और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और टारगेट मैंने बता दिया 5 टाइम्स है ना। यस सर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मतलब हाँ अब थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपनी का पी वी रेशियो है 20, और इन्वेस्टमेंट का पी वी रेशियो, इन्वेस्टमेंट का पी वी रेशियो भी 30 है, इन्वेस्टमेंट का पी वी रेशियो 30 है, मतलब कि पी वी रेशियो के अकॉर्डिंग यह कंपनी अंडर वैल्यूड है, यह कंपनी सस्ती है,
أنا في مشروع أدوية وأدوية كافية خاصة أدوية من السلطة السلطة بس مثلا أدوية وكنت مع السلطة وأنا يعمل أدوية لنا بسلطة كده ما يصير سبلوك سلطة بسلطة يصير سبلوك بسلطة سبلوك 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 وصلت بوسط الوقت أنا على إيه صلت أجابة أم جيتهم وإيه جاتوا أنتي أنا كم يوم أجا تاني نية وين بدي بعدي كم يوم أجا تاني نية أنا كويس نية أما إيه ما أبغى نجا صلت أجابة بهذا هو هذا معلم أمو هذا كله كسين تا ولا أكثر سنة ما أمو نين هذا كله كسين هو هذا معلم أنا نصنا بين كله كسين تا ولا أكثر سنة ما ولكن هناك يلا كاس فم أو مثلاً يعني مثلاً يعني سيفو كاس فم أو مثلاً يعني مثلاً يلا يلا كاس فم أو مثلاً يعني مثلاً يعني في طب يعني كل من نفسه سكت لا كاس يا سكت لا كاس يا طب يعني كل من نفسه سكت لا كاس يا أنت ما تقدر كاس يا سين على ما تي سين وقال من سين وسبت وقال من كي يوم سين مهم بيقعد كده मैं नौ सौ अकाउंट में हम उधार में किया हुआ सेल में हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में मतलब तो मतलब ये जो कैश फ्लो बुक में जाते हैं मतलब जाता है वो सेल बताता है वो जाते बताता है वो एक्चुअल में कैश आया वो कंपनी को कोई बिजनेस है वहाँ से कितना कैश आया तो वो बताता है तो दोस्तों के बारे में वहाँ पर ऐसे उन्हें कैश फ्लो में जाते हैं और आपके सेल में चार सौ का और ठीक है ना आरओई में अच्छी खासी आरओई है तो बस उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर आप उसमें काम कर सकते हो अपना कर सकते हो ले सकते हो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो मेरे चैनल को अभी कर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे अपने दोस्तों या फैमिली के साथ या रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और उन्हें भी कह देना आगे يعني لو كنت سبسكرايب كان يعني يس ثانك يو سو ماتش